हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार के एपिसोड को तो आपने देख ही लिया, अब दूसरे एपिसोड की बारी है जहां पर रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला घर के अंदर आने वाले हैं और वो देंगे घर वालों को कई सारे टास्क जहां पर उन्हें करनी होगी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसे में आपको पता ही होगा कि अली गोनी घर के अंदर जैस्मिन के साथ गेम खेल रहे थे जब पिछली बार रश्मि देसाई विकास गुप्ता की फैमिली मेम्बर बनकर आई थी। तब उन्होंने अली गोनी को और उनके गेम को तो बहुत अच्छा सराहा था, लेकिन उन्होंने तब भी कहा था कि वो अपनी गेम को और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अभी वो और अच्छा खेल नहीं रहे हैं। वेल, इस बात पर जैस्मिन ने उन्हें कहा था कि रश्मि मुझसे चिढ़ती है, इसलिए वो तुम्हें टारगेट कर रही है। क्या इस बार भी जब रश्मि आएंगी तो वो अली गोनी को टारगेट करेंगी? वेल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और खबरें ये हैं कि हाँ, बिग बॉस के सेट पर एक बार फिर से रश्मि देसाई पहुंची और जहां पर अली गोनी के साथ उनके कई सारे थॉट्स मैच करते हुए नहीं दिखाई दिए। हालांकि ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि रश्मि देसाई ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अली गोनी की गेम पर बात की, लेकिन हाँ, अली के दिमाग में भी रश्मि के लिए वो वाले थॉट्स नहीं हैं जो शायद वो पहले सोचते थे। और क्योंकि रश्मि देसाई उनको पहले भी टारगेट कर चुकी हैं, तो इसलिए वो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते हुए नहीं नज़र आए। हालांकि घर के अंदर रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला जो दोनों लोग आए हैं, उनकी भी पिछले सीजन में एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनी थी। इस सीजन में ये दोनों अलग अलग आकर काफ़ी सारे टास्क देते हुए नजर आए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अली गोनी के साथ जैस्मिन का क्या हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसे देखने के लिए अली के फैंस और जैस्ली फैंस वेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।